शांत झीलों नदियों के लिए प्रसिद्ध कश्मीर घाटी को इस क्षेत्र में चल रही भीषण गर्मी की वजह से खतरनाक खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पूरी घाटी में लगातार गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, साथ ही बारिश की कमी ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। कई लोगों की जीवन रेखा मानी जाने वाली प्रसिद्ध झेलम नदी में पानी का स्तर बहुत कम हो गया है। इसका प्रतिष्ठित हाउसबोट पर बुरा असर पड़ा है, जिनमें से कई अब सूखती नदी के कारण बंद हो गए हैं। झेलम और अन्य नए निकायों का बड़ा हिस्सा लगभग सूख चुका है, जिससे हाउसबोट मालिकों और संचालकों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि इस जुलाई में एक अभूतपूर्व गर्मी ने कृषि, बागवानी, पर्यटन और शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। मौजूदा कठिनाइयों के बावजूद मौसम विभाग के वैज्ञानिक उम्मीद की एक नई किरण पेश करते हैं। उन्होंने आने वाले दिनों में मध्यम वर्षा की भविष्यवाणी की है, जिससे परेशान निवासियों को कुछ राहत मिल सकती है। आइए सुनते हैं इस पर लोगों का क्या कुछ कहना है। बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। हम देखेंगे कि कल भी जो टेम्परेचर था वो श्रीनगर में 35.6 डिग्री था, जो कि बहुत हाईएस्ट है। लगभग 1999 में 37 डिग्री टेम्परेचर हुआ था श्रीनगर में, तब से हाईएस्ट था। लेकिन जो 3 जुलाई वहाँ पे 35.7 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जो आज का टेम्परेचर है वो मे बी 35.8 हो जाएगा, जो कि 1999 से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। उसकी वजह से जो ये झेलम रिवर है, आप देख सकते हैं, पूरा सूख चुका है, और जो इसके साइड से वो सीधे दिख रहे हैं हमें, उसमें जो मड है या मड क्रैक्स डेवलप हुए हैं, वहाँ से भी मड क्रैक्स डेवलप हुए हैं। ऐसे जो हाउस बोट्स है वो मिट्टी पे आ गए, और जो हम देखेंगे जो अपस्ट्रीम में नॉलेज है, जैसे कि लिदर नाला, उसमें भी वाटर लेवल बहुत कम है। जहली में यहाँ पे लगभग अभी 2.80 फीट या उससे भी कम है। संगम में अभी की वाटर लेवल लगभग 0.76 मीटर है। रामबाग फ्लड चैनल भी ड्राई हो रही है। जो बाकी नालाज है, जैसे कि आरीपल नाला त्राल में, वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है। अभी सिर्फ सिंध ट्रिब्यूटरी में थोड़ा सा पानी है, बाकी तो सब कुछ ड्राई होगा। और अगर ऐसे कंटिन्यूसली होता रहा तो यहाँ पे वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, जिससे जो मछलियाँ इकोसिस्टम है, बाकी एनवायरमेंट है, उसके ऊपर बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए बारिश होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। देखो, अगर प्रेसिपिटेशन का हम ट्रेंड्स देखेंगे तो लास्ट सितंबर से ही यहाँ पे डेफिसिट बारिशें हुई हैं। बिल्कुल दिसंबर जनवरी तक बिल्कुल ना के बराबर बारिशें हुई हैं, और फरवरी में एक दो स्पेल्स हुए, फिर मार्च और अप्रैल थोड़ा सा ठीक निकला, फिर मई जून और इवन कि अभी जुलाई का जो अभी 20-25 दिन निकले हैं, तो इन सारे महीनों में बिल्कुल 50% डेफिसिट चल रहा है अभी तक। तो जो डेफिसिट है वो हम पिछले साल सितंबर से कैरी कर रहे हैं, और ऐसे में जो पीक सीज़न है हमारा, खासकर बर्फ़ का, जो दिसंबर जनवरी में जो चिलाई क्लान का पीरियड रहता है, तो उस बीच तो बर्फ़ बिल्कुल ना के बराबर हुई, और उसके बाद बर्फ़बारी एक दो स्पेल हुआ, तो पिछला डेफिसिट भी है और बर्फ़बारी भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ और पीक सीज़न में नहीं हुआ। और उसके साथ साथ अभी ड्राई स्पेल पूरे जुलाई में रहा यहाँ, और उसके कारण जो है नदी नालों का जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लेवल जो है गिर चुका है, झेलम का या बाकी जो वाटर बॉडीज़ भी हैं। तो कमिंग डेज में, खासकर अभी जो फोकास्ट है हमारा टिल 27th, कोई ऐसे मेजर रिलीफ नहीं है। गर्मी जो है थोड़ा बरकरार रहेगा, 34-36 डिग्री के आसपास रहने के चांसेस हैं, और 27 खासकर शाम को जो है थोड़ा क्लाउडी होने के इम्कान हैं, थोड़ी सी ब्रीफ शावर्स कुछ एक जगहों पर हो सकता है, और इसी तरह 28 को भी सिमिलर कंडीशन, 29 से जो है मेजर रिलीफ मिलने के चांस हैं।